नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की परमिशन मिल गई, लेकिन किसान संगठन उस रूट से खुश नहीं है जो पुलिस ने दिया। भारत चीन बॉर्डर पर चीनी सेना बॉर्डर की यथास्थिति को बदलने का प्रयास कर रही है और उसके कुछ सैनिक भारतीय क्षेत्र में भरने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़ गए, जिसमें 4 भारतीय और 20 चीनी जवान घायल हुए। हरिद्वार कुंभ मेला 27 फरवरी से शुरू हो सकता है। राज्य सरकार ने वार्ता के दौरान केंद्र सरकार को यह प्रस्तावित तिथि बताई। मेले में प्रतिदिन 10 लाख और विशेष अवसरों पर 50 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्यों में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक से लोग परेशान। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में गिरावट की आशंका। कांग्रेस ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि कृषि कानूनों को रद्द करने की किसानों की मांग नहीं मानी गई तो आगामी संसद सत्र में घमासान होगा। कांग्रेस पार्टी संसद के दोनों सदनों में किसान आंदोलन के मुद्दे को मजबूती से उठाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय में आए एक संदिग्ध पार्सल के गायब होने से हड़कंप मच गया है। इस मामले में मुख्य सुरक्षा अधिकारी की भूमिका को लेकर भी जांच कराए जाने के दिशा निर्देश दिए। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 13,203 नए मामले रिपोर्ट किए गए, साथ ही 131 लोगों की जान चली गई। और वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक पीटीआई के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि शख्स ने लेडी सब इंस्पेक्टर की चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ रेप किया और वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसे तंग आकर महिला ने आत्महत्या की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पुलिस ने एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो प्रधानमंत्री सिलाई मशीन योजना के नाम पर लोगों से पैसे ठगता था और ऑफिस बंद करके फरार हो जाते थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की। और वहीं कस्टम अधिकारियों ने दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2 विदेशियों को 9 किलोग्राम हीरोइन के साथ हिरासत में ले लिया है। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 65 करोड़ रुपये बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस तस्करों से पूछताछ कर रही है। आगरा में देर शाम पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मौके से बदमाश फरार हो गए हैं। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। जौनपुर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने खुद को गोली मार ली। सीने में बाई तरफ गोली लगने से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने शख्स को अस्पताल में भर्ती किया, आगे की जांच शुरू की। वाराणसी में छात्रा ने जहर खा लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। जानकारी मिलते ही छात्रा के दोस्त ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। बिजनौर में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीम का गठन किया गया। क्राइम शो देखकर मुंबई के मलाड के 2 लोग इतना प्रेरित हो गए कि उन्होंने एक बच्चे को किडनैप कर लिया और 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी। पुलिस ने उनके मोबाइल फोन लोकेशन के आधार पर 3 घंटे में उन्हें पकड़ लिया, आगे की कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में नाबालिग युवती ने परविंदर नाम के एक बैंक मैनेजर पर उसके साथ दुष्कर्म करने और उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है, आगे की जांच पड़ताल शुरू की। गणतंत्र दिवस समारोह पर सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली मेट्रो में यात्रा के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक आज सुबह 6 बजे से 26 जनवरी को 2 बजे तक सभी मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग बंद रहेगी। आंध्र प्रदेश में माता पिता ने अंधविश्वास के कारण 2 बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे, घटना की जानकारी पुलिस को दी। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंदौर में एक व्यक्ति के खिलाफ अपनी पत्नी को 3 तलाक देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया है। महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह अपने पति को दूसरी शादी करने से रोक रही है, जिसकी वजह से उसे 3 तलाक उसके पति ने दिया। बाराबंकी में सरसों के खेत में एक लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, ग्रामीणों से पूछताछ शुरू की। राजस्थान के दौसा में 4 महिलाओं ने शख्स पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने महिलाओं से पूछताछ शुरू की है, शख्स की तलाश की जा रही है। रामपुर में एक नवजात बच्ची को मारने के लिए सीवर होल में फेंक दिया गया, हालांकि किसी तरह बच्ची की जान बच गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, आगे की जांच शुरू की। और वहीं वरुण धवन, नताशा दलाल शादी के बंधन में बन चुके हैं। कोरोना की वजह से इस शादी में कम ही मेहमान बुलाए गए हैं। सूत्रों की माने तो वरुण रिसेप्शन 2 फरवरी को देने वाले हैं। वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी की पहली तस्वीर सामने आते ही सेलेब्स और फैंस की बधाइयों का तांता लग गया। करण जौहर ने भी वरुण और नताशा के लिए एक इमोशनल पोस्ट साझा किया। कपिल शर्मा शो का ये सीजन अब ऑफ एयर होने जा रहा है। शो को लेकर जल्दी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी की जा सकती है। इस सीजन के खत्म होने के बाद इसका दूसरा सीजन भी लाया जाएगा। फिलहाल 5 मिनट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ। नमस्कार।